हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एस एजुकेशनल वर्ल्ड अर्शद सर के साथ। आज का हमारा टॉपिक है इंटरनेट एंड वेब टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। मैं क्वेश्चन का ये सीरीज अपलोड कर रहा हूँ दोस्तों। इससे पहले मैंने पार्ट वन, पार्ट टू, अब आज के वीडियो में पार्ट थ्री में अपलोड करने वाला हूँ। तो जो लोगों ने नहीं देखा है पार्ट वन पार्ट टू, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पर मैं डाल दूंगा, उसे आप जरूर देखें दोस्तों। ये 200 का मैं सीरीज लेकर चल रहा हूँ। तुम जो सभी परीक्षाओं में इंटरनेट से रिगार्डिंग या वेब टेक्नोलॉजी रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं दोस्तों, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी वीडियो डालो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। सो लेट्स गो स्टार्ट नाउ। सबसे 51 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कीवर्ड शॉर्ट के यूज टू द एड बुकमार्क ऑफ द पेज करंटली ओपन इन द क्रोम ब्राउजर। क्रोम ब्राउजर में वर्तमान में खोले गए पेज का बुकमार्क जोड़ने के लिए से किस कीवर्ड शॉर्ट की का उपयोग किया जाता है, जिसका ऑप्शन है Ctrl+B, Ctrl+D, Ctrl+M, Ctrl+B। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों Ctrl+D प्रेस करेंगे तो क्या होगा, बुकमार्क जोड़ने के लिए हम लोग यूज करते हैं इसका शॉर्ट की होता है Ctrl+D। इसका आंसर B हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नंबर 52 क्वेश्चन, डैश नेटवर्क कैन बी यूज फॉर पब्लिक इंटरनेट एक्सेस एट हॉट स्पॉट सच एज रेस्टोरेंट्स, कॉफी शॉप etc। डैश नेटवर्क का उपयोग रेस्टोरेंट, कॉफी शॉप आदि जैसे हॉट स्पॉट पर सार्वजनिक इंटरनेट एक्सेस के लिए किया जा सकता है, वो क्या कहलाता है। इसका ऑप्शन है दोस्तों Wi-Fi, WiMAX, DFL, VPL। चलिए चलिए सही इसका आंसर जानते हैं दोस्तों। इसका होता है वाईफाई। वाईफाई वहाँ पर जब भी हम कोई रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वहाँ पर हमको वाईफाई फ्री मिलता है, वहाँ पर हम लोग उसका यूज़ कर सकते हैं जब तक हम लोग रेस्टोरेंट में खाते ऑर्डर वगैरह देते हैं, उसके बाद वेट करते हैं। तो इसका आंसर है, इसका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, यानी वाईफाई हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 52 का। 53 क्वेश्चन, डैश इनेबल्स ए यूजर टू रिमोटली एक्सेस अनदर कंप्यूटर कैन टर्मिनल ओवर द इंटरनेट। डैश उपयोगकर्ता को इंटरनेट पर दूसरे कंप्यूटर को टर्मिनलों तक दुरुस्त रूप से पहुंचाने में सक्षम बनाता है, वो जिसका ऑप्शन है दोस्तों कौन सा बनाता है, यूजनेट, FTP, टेलनेट, HTTP। इसका आंसर है दोस्तों इसका टेलनेट होता है, यानी टेलीकॉम नेटवर्क जिसको बोल सकते हैं हम लोग। इसका आंसर हो जाएगा सी, 53 का सी आंसर। 54 क्वेश्चन, द इंटरनेट इज, इंटरनेट है, इंटरनेट क्या है। इसका ऑप्शन है ए लार्ज नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, एन इंटरनल कम्युनिकेशन सिस्टम फॉर बिजनेस, ए कम्युनिकेशन सिस्टम फॉर द इंडियन गवर्नमेंट। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑल है वो, मतलब ये सारा जगह यूज होता है। ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट भी यूज करते हैं, बिजनेस पर्पज से भी यूज होता है, हम लोग नेटवर्क टू नेटवर्क एक दूसरे से बात करने के लिए भी यूज करते हैं, यानी कि इसका आंसर 54 का डी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों ऑल अबव। 55 क्वेश्चन, डिफॉल्ट पोर्ट नंबर ऑफ HTTP, डिफॉल्ट HTTP का डिफॉल्ट पोर्ट नंबर क्या होता है। इसका ऑप्शन है 80 443 4020। सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ये 4443 होता है, यानी कि ये 443 होगा, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। ये पोर्ट का क्या होता है, नंबर होता है जो। ठीक है दोस्तों, HTTPS का इसका आंसर बी है 55 का। 56, व्हाट इज द लॉगिन नेम एंड पासवर्ड वेरीफाई फॉर। लॉगिन नेम और पासवर्ड किसके लिए सत्यापित है। इसका ऑप्शन है फॉर यूजर अप्रूव, टू री ऑथेंटिकेट द यूजर, टू प्रोवाइड फॉर्मल एक्सेस टू द यूजर, टू कंप्लीट द लॉगिन फॉर्मेलिटीज। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों फॉर यूजर अप्रूव, जैसे कोई भी यूजर आपके आपके आईडी को लेकर वो लॉगिन करेगा तो प्रूफ के लिए आपका क्या करता है, वेरिफिकेशन आता है, या तो मोबाइल पे ही होता है या तो आपका पासवर्ड नहीं दीजिएगा तो वो एक्सेस नहीं कर पाएगा, इसलिए प्रूफ देना जरूरी होता है। इसीलिए बार बार देखते होंगे हम लोग गलत पासवर्ड डालते हैं तो वो प्रूफ मांगता है, या तो हमारे मोबाइल को वेरिफिकेशन करता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए, फॉर यूजर प्रूफ के लिए यूज किया जाता है। 57 क्वेश्चन, ए शेयर्ड वर्क नेटवर्क विथ इन एन ऑर्गेनाइजेशन टू प्रोवाइड अ कनेक्टिविटी टू इट्स स्टाफ इज। किसी भी संगठन के भीतर अपने कर्मचारियों को कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए एक साझा नेटवर्क है।
इसका ऑप्शन है इंटर, कौन सा हो सकता है दोस्तों, एक्स्ट्रानेट, टेलनेट, इंटरनेट, इंटरनेट। इसका सही आंसर है दोस्तों इंटरनेट। इंटरनेट से हम लोग क्या करते हैं, एक कर्मचारियों को कनेक्टिविटी कर सकता है, कोई कोई भी संगठन क्या करता है एक दूसरे इंटरनेट के थ्रू हम लोग नेटवर्क को साझा करता है, मतलब कि कम्युनिकेट करता है एक दूसरे से, ठीक है। इसका आंसर हमारा डी हो जाएगा 57 का। 58 डैश ऑफर रियल टाइम चैट बिटवीन इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप ऑफ पीपल। डैश व्यक्तियों और लोगों के समूह के बीच में वास्तविक समय पर बातचीत की सुविधा प्रदान करता है। इसका ऑप्शन है वायरस, ब्लॉग, इंस्टेंट मैसेंजर, ईमेल। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों इंस्टेंट मैसेंजर, यानी त्वरित संदेश वाहक बोलते हैं इसको, हिंदी होता है। इसका आंसर सी हो जाएगा, यानी कि इंस्टेंट मैसेंजर के थ्रू हम लोग किसी से बातचीत या चैट वगैरह करते हैं। 58 का सी आंसर है। 59 क्वेश्चन, डी एस एल इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच कनेक्शन। डी एस एल किस कनेक्शन का उदाहरण है। इसका ऑप्शन है नेटवर्क का, वायरलेस का, स्लो का, ब्रॉडबैंड का। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ब्रॉडबैंड का एग्जाम्पल है डी एस एल एल, इसका एग्जाम्पल है ब्रॉडबैंड का, इसका डी आंसर हो जाएगा। नंबर 16 क्वेश्चन, विच वन इज नॉट ए नेटवर्क प्रोटोकॉल। कौन सा नेटवर्क प्रोटोकॉल नहीं है। एस एस एच, एस टी एम एल, पी पी टी, पी ओ पी। इसका आंसर हो जाएगा एस टी एम एल आपका नेटवर्क नहीं है, ठीक है दोस्तों। एस टी एम एल एक क्या होता है, लैंग्वेज होता है, ठीक है। इसका आंसर बी हो जाएगा 60 का। 61 क्वेश्चन, व्हाट डज द लेटर्स इन द एचटीटीपी प्रोटोकॉल डी नोट। एचटीटीपीएस प्रोटोकॉल में अक्षर एस का क्या दर्शाता है। स्केल, सॉफ्टवेयर, सेव, सिक्योर। इसका सही आंसर है दोस्तों सिक्योर दर्शाता है, यानी सुरक्षित। एचटीटीपीएस जो होता है लास्ट का एस क्या दर्शाता है, सिक्योर यानी सुरक्षित। इसका आंसर हो जाएगा 68 का। 61 का आंसर हो जाएगा डी, ठीक है दोस्तों। 62, द डैश डी फील्ड ऑफ एन ईमेल इंडिकेट द रिसीवर ऑफ दैट ईमेल। डैश किसी ईमेल का फील्ड उस ईमेल के प्राप्तकर्ता को इंगित करता है। फ्रॉम, सिग्नेचर, सब्जेक्ट, टू। इसका सही आंसर है टू। टू वो क्या करता है, जिसके पास हम लोग मेल करते हैं वो प्राप्तकर्ता होता है, जो जिसके पास हम लोग भेजते हैं, ठीक है, उसको प्राप्तकर्ता बोलते हैं। वो हम टू के थ्रू ही भेजते हैं, और जो रिसीवर होता है उसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, जिसके द्वारा द्वारा भेजा जाता है से, ठीक है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, जिसके द्वारा जिसके पास जाता है उसको टू करके भेजते हैं, इसलिए आंसर इसका डी हो जाएगा, ठीक है। 62 का डी। 63, विच टेक्नोलॉजी इज यूज टू द प्रोवाइड हाई स्पीड इंटरनेट एक्सेस ओवर ट्रेडिशनल मॉडेम लैंस। पारंपरिक मॉडम लाइनों पर हाई स्पीड इंटरनेट एक्सेस प्रदान करने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है। जिसका ऑप्शन है ए डी एस एल रूटर्स, बी डी यू लैन। इसका सही आंसर है ADSL का उपयोग किया जाता है, ठीक है दोस्तों। हाई स्पीड के लिए ADSL का उपयोग करते हैं हम लोग। इसका आंसर ए हो जाएगा। 64, विच शॉर्ट की कमांड यूज टू द रीलोड द करंट पेज इन गूगल क्रोम। गूगल क्रोम में वर्तमान पृष्ठ को पुनः लोड करने के लिए किस शॉर्ट की कमांड का उपयोग किया जाता है। इसका ऑप्शन है F5, कंट्रोल प्लस आर, बोथ एंड ए एंड बी आर करेक्ट, नन ऑफ द अबव। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, यानी कि F5 से भी किया जा सकता है, और कंट्रोल प्लस आर भी प्रेस करेंगे तो भी हमारा ये काम करेगा, ठीक है। गूगल क्रोम को एक्सेस करने के लिए करते हैं, मतलब कि करंट पेज को गूगल क्रोम में रिलोड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, F5 यानी कि रिफ्रेश करते हैं, कंट्रोल आर भी करेंगे तो वही काम करेगा। निकेश का आंसर सी हो जाएगा, यानी दोनों इसका होगा, ठीक है। 64 का सी आंसर। 65, व्हाट इज इंक्लूड एन ईमेल एड्रेस। ईमेल के पते में क्या शामिल है। इसका ऑप्शन है डोमेन नेम एंड फॉलोड बाय यूजर नेम, यूजर नेम फॉलोड बाय डोमेन नेम, यूजर नेम फॉलोड बाय पोस्टल एड्रेस, यूजर नेम फॉलोड बाय स्ट्रीट एड्रेस। इसका सही आंसर होगा यूजर नेम फॉलोड बाय डोमेन नेम, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। यूजर नेम
फॉलोड बाय डोमेन नेम, यानी कि जैसे हम लोग बनाते हैं ना, कोई भी यूज़र का नाम देते हैं, उसके बाद @yahoo.com, @gmail.com, @rediff.com, इस तरह से हम लोग बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी कि डोमेन नेम होता है जो हमारा याहू, रेडिफ, जीमेल, ये सब होता है। ठीक है, और यूज़र हम लोगों का है। ठीक है, इसका आंसर बी हो जाएगा 55 का। 66, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म ए पार्ट ऑफ सर्च इंजन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन का हिस्सा बनता है? इसका ऑप्शन है स्पाइडर ऑफ वेब क्रॉलर्स, इंडेक्सिंग सॉफ्टवेयर, सर्च एल्गोरिथम, ऑल ऑफ द अबव। इसका सही आंसर है स्पाइडर ऑफ वेब क्रॉलर, यानी मकड़ियाँ जिसको बोल सकते हैं हम लोग, वेब क्रॉलर की मकड़ियाँ, इनका हिंदी होता है। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर ए हो जाएगा 66 का। 67, डिफॉल्ट पोर्ट नंबर ऑफ HTTP, HTTP का डिफॉल्ट नंबर क्या है? ठीक है, 80 होता है, 243 होता है, 40 होता है, 20 होता है। इसका सही आंसर है दोस्तों 80 होता है। ठीक है, इस HTTP का डिफॉल्ट नंबर कोई पूछेगा तो क्या बताइएगा आप? 80, यानी कि 80। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर ए हो जाएगा। 68, विच शॉर्ट की कमांड यूज टू द ओपन द क्रोम मेनू इन गूगल क्रोम, गूगल क्रोम में क्रोम मेनू खोलने के लिए किस शॉर्ट कमांड का उपयोग किया जाता है? इसका ऑप्शन है Alt+F, Alt+E, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, नन ऑफ द अबव। इसका सही आंसर होगा बोथ ए और बी एंड करेक्ट, यानी कि Alt+F भी फाइव करेंगे तो क्या होगा, गूगल क्रोम हमारा ओपन हो जाएगा, Alt+E भी प्रेस करेंगे तो वही होगा, यानी कि इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 68 का सी आंसर। 69, याहू इज विच टाइप्स ऑफ सर्च इंजन, याहू किस प्रकार का सर्च इंजन है? क्लोरर बेस्ड, ह्यूमन पावर डायरेक्टरीज, हाइब्रिड, नन ऑफ द अबव। ये तो आपका ऑप्शन हो गया, इसका सही आंसर है क्लोरल बेस्ड, यानी कि क्लोरल पर आधारित है ये। ठीक है, ये सर्च इंजन एक तरह का क्या होगा, क्रॉलर बेस्ड होता है। ठीक है, यानी कि इसका आंसर ए हो जाएगा 69 का। 70, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट जेनरिक टॉप लेवल डोमेन GTLD, निम्नलिखित में से कौन सा जेनरिक टॉप लेवल डोमेन GLT नहीं है? इसका ऑप्शन है .net, .info, .biz, .uk। इसका सही आंसर हो जाएगा .uk, .uk आपका कोई जेनरिक नेटवर्क टॉप लेवल डोमेन नहीं होता है। ठीक है, याद रखिएगा आप, यहाँ पे .biz, .info, .network ये सब होता है, लेकिन .uk नहीं होता है। इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 70 का डी। 71, हु फाउंड द ईमेल, ईमेल किसने बनाया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये ईमेल हमेशा पूछा जाता है एग्जाम में, ईमेल किसने बनाया? इसका ऑप्शन है राव टॉमलिंसन, मार्क जुकरबर्ग, बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स। ये तो जो जानते होंगे, फेसबुक है ये आपका, माइक्रोसॉफ्ट है। ठीक है दोस्तों, दो तो आप जानते ही होंगे, ये दो आपका नियम है, इस दोनों में से कोई आंसर होगा। चलिए ऑप्शन आंसर जानते हैं कौन सा होगा, राव टॉमलिंसन होता है। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, राव टॉमलिंसन ने ईमेल को फॉर्मेट किया था। ठीक है, यानी कि बनाया था। ठीक है, याद रखिएगा, इसका आंसर ए हो जाएगा 71 का। 72, बाइंग और सेलिंग गुड्स इलेक्ट्रॉनिकली इज नोन एज, इलेक्ट्रॉनिक रूप से सामान खरीदना या बेचना कहलाता है। इसका ऑप्शन है फाइनेंस, मल्टीमीडिया, मनी कंट्रोल, ई कॉमर्स। इसका आंसर हो जाएगा ई कॉमर्स, के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, बिजनेस को खरीदना और सेल करना दोनों काम करते हैं इसमें। ई कॉमर्स के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, बिजनेस को करते हैं हम लोग यहाँ पे, सेल और परचेस। ठीक है दोस्तों, यानी खरीदना बेचना दोनों काम होता है। इसका आंसर डी हो जाएगा 72 का। 73, ए प्रोटोकॉल इज डिजाइन टू द हैंडल रियल टाइम ट्रैफिक लाइक ऑडियो एंड वीडियो ऑफ द इंटरनेट नोन एज डैश डैश डैश, क्या कहलाता है वो? एक प्रोटोकॉल इंटरनेट को वास्तविक समय ट्रैफिक जैसा ऑडियो और वीडियो को संभालने के लिए डिजाइन किया गया है, जिसे के रूप में जाना जाता है, वो क्या कहलाता है? जिसका ऑप्शन है सेशन इंटरटेशन प्रोटोकॉल, रियल टाइम ऑफ ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल, एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। जिसका सही आंसर हो जाएगा रियल टाइम ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल, यानी कि इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों,
23 का बी आंसर। 24, विच ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क प्रोटोकॉल यूज टू द सेंड ए ईमेल ओवर द इंटरनेट। इंटरनेट पर ईमेल भेजने के लिए निम्न में से किस नेटवर्क प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है, जिसका ऑप्शन है FTP, SSH, POP3, SMTP। सही सही आंसर है इसका दोस्तों SMTP के थ्रू। स्विच मुझ SMTP के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, किसी को हम लोग ईमेल भेज सकते हैं, ये नहीं रहेगा तो आपका नहीं ईमेल जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके लिए 24 का क्या हो जाएगा, हमारा डी हो जाएगा, यानी कि SMTP के थ्रू ही प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है ईमेल भेजने के लिए। ठीक है, 24 का डी आंसर। 25 क्वेश्चन, डॉट इडो डोमेन नेम इज द टाइप ऑफ। डॉट इडो डोमेन नाम किस प्रकार का होता है, इसका ऑप्शन है जेनेरिक टॉप लेवल ऑफ डोमेन GTLD, स्पॉन्सर टॉप लेवल डोमेन STLD, इंफ्रास्ट्रक्चर टॉप लेवल डोमेन टेस्ट टॉप लेवल डोमेन TLD। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों स्पॉन्सर। ये जो भी होता है स्पॉन्सर करने के लिए होता है, जैसे हम लोग अपना नाम की वजह से एस एजुकेशनल बनाते हैं हम लोग ना, उस तरह डॉट एजुकेशनल में लगाते हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर हमारा हो जाएगा बी, स्पॉन्सर के लिए यूज किया जाता है, स्पॉन्सर टॉप लेवल डोमेन यानी परियोजित स्तरीय डोमेन STLD। ठीक है दोस्तों, बताया जाता है इसका आंसर बी हो जाएगा 25 का। 26, विच ऑफ द फॉलोइंग इज जेनरिक टॉप लेवल डोमेन GTLD। निम्नलिखित में कौन सा जेनरिक टॉप लेवल डोमेन GTLD है, इसका ऑप्शन है .edu, .cn, .ly, .com। इसका आंसर हो जाएगा .com, यानी कमर्शियल यूज होता है, जेनरिक जो होता है यूज हम लोग करते हैं कमर्शियल कॉमन यूज होता है, जो जेनरिक टॉप लेवल डोमेन GTLD है। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर डी हो जाएगा। 27, विच शॉर्ट की कमांड यूज टू द सेव योर करंट वेब पेज ए बुक मार्क इन गूगल क्रोम। आपके वर्तमान वेब पेज को गूगल क्रोम में बुक मार्क रूप में सहेजने के लिए किस शॉर्ट कमांड का उपयोग किया जाता है, इसका ऑप्शन है Ctrl+D, Ctrl+H, Ctrl+K, Ctrl+U। इसका सही आंसर है Ctrl+D प्रेस करेंगे तो हमारा क्या होगा, बुक मार्क में वो सहेज हो जाएगा यानी सेव हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 77 नंबर 78 क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइंस हाउ डिफरेंट प्रोग्राम एक्सचेंज डाटा ओवर द इंटरनेट। निम्न में से कौन सा यह निर्धारित करता है कि विभिन्न प्रोग्राम इंटरनेट पर डेटा का आदान प्रदान कैसे करते हैं, इसका ऑप्शन है ब्लूटूथ, ईमेल, URL, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसका सही आंसर हो जाएगा हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यानी कि इसका आंसर डी हो जाएगा। यही हमारा आदान प्रदान करने का एक जरिया होता है, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल के थ्रू ही इंटरनेट ये ट्रांसफर करता है एक दूसरे को डाटा। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर डी हो जाएगा। 79, विच शॉर्ट की कमांड यूज टू जंप टू द एड्रेस बार इन गूगल क्रोम। गूगल क्रोम में एड्रेस बार पर जाने के लिए शॉर्ट किस शॉर्टकट कमांड का उपयोग किया जाता है, जिसका ऑप्शन है Ctrl+L, Alt+D, F6, ऑल ऑफ द अबव, इनमें से सभी। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। ठीक है दोस्तों, यानी कि ये सारा ऑप्शन का यूज करके हम लोग यहाँ पे एड्रेस बार पे जाने के लिए यूज करते हैं गूगल क्रोम को। ठीक है दोस्तों, आंसर इसका डी हो जाएगा। 780, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ द एन ईमेल एड्रेस। लिमिंग में से कौन सा ईमेल पते का हिस्सा नहीं है, इसका ऑप्शन है ईमेल प्रोवाइडर डोमेन नेम, डोमेन यूजर नेम, यूजर डोमेन, एड्रेस सिंबल। इसका सही आंसर हो जाएगा यूजर डोमेन, यूजर को कोई डोमेन नहीं कराना पड़ता, ऑलरेडी डोमेन होता है .com, .@gmail.com, @yahoo.com, मैंने पहले भी बताया था, जिसका यह यूजर को डोमेन कराने की जरूरत नहीं, खाली यूजर नाम टाइप करना, @ होता ही होता है। ठीक है, तो वो होता है, इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी। 81, ए कंप्यूटर ऑन द इंटरनेट दैट यूजेस HTTP प्रोटोकॉल नोन एज। इंटरनेट पर HTTP प्रोटोकॉल का उपयोग करने वाला कंप्यूटर क्या कहलाता है, इसका ऑप्शन है लाइन, वेब सर्वर, वेब और वी लाइन, डब्लू लाइन। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों वेब सर्वर, HTTP प्रोटोकॉल का उपयोग करने वाला कंप्यूटर कहलाता है वेब सर्वर, इसका आंसर बी हो जाएगा। 2 क्वेश्चन, व्हाट डू यू कॉल द पीपल वी सेंड एन ईमेल टू।
इंटरनेट पर HTTP प्रोटोकॉल का उपयोग करने वाला कंप्यूटर कहलाता है, जिसका ऑप्शन है रिसेप्शन, इनबॉक्स, स्पाम, रिपोर्ट। इसका सही आंसर हो जाएगा रिसेप्शन, यानी प्राप्तकर्ता कहलाता है, यानी कि इसका आंसर ए हो जाएगा 82 का। 83, इन याहू मेल विच ऑफ द फॉलोइंग फोल्डर यूज टू द सेव ऑल द सेंट ईमेल्स। याहू मेल में भेजे गए सभी मेल को सहेजने के लिए निम्नलिखित किस फोल्डर का उपयोग किया जाता है? इसका ऑप्शन है ड्राफ्ट, इनबॉक्स, स्पाम या सेंट। इसका आंसर हो जाएगा सेंट, यानी भेजा गया मेल। ठीक है दोस्तों, याहू मेल पर भेजा गया सभी मेल को हम लोग क्या करते हैं, सेंड करते हैं। ठीक है, इसका आंसर डी हो जाएगा। 84, एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन वुड जनरली हैव टू द फॉलोइंग इन इट्स डोमेन नेम। एक शैक्षणिक संस्थान के डोमेन नाम पे आमतौर पर निम्नलिखित तो हो गए, इसका ऑप्शन है .org, .edu, .inst, .com। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों .edu। ठीक है, एजुकेशन के हमेशा याद होता है, और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन की संस्था हो जाता है जैसे NGO वगैरह होता है या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होता है उसको .org होता है, या कॉमर्स बिजनेस रिलेटेड कोई भी रहता है तो उसको .commercial होता है। ठीक है, कॉमर्शियल जैसे .com लगता है। ठीक है, हमेशा एजुकेशन के लिए .edu होता है, जिसका आंसर हमारा बी हो जाएगा 84 का। 85, इंटरनेट एक्सप्लोरर इज ए वेब ब्राउजर सॉफ्टवेयर डेवलप इन द ईयर 1995 बाय। इंटरनेट एक्सप्लोरर ए वेब ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर है जिसे वर्ष 1995 में विकसित किया गया था। किसने विकसित किया था? इसका ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, मोजिला, याहू। तो सही आंसर है माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा 1995 में इसको विकसित किया गया था ब्राउजिंग का। ठीक है दोस्तों, सॉफ्टवेयर बनाया गया था इंटरनेट एक्सप्लोरर। ठीक है, ये ब्राउज सॉफ्टवेयर था, इसका आंसर ए हो जाएगा 85। 86, अनसोलिसिटेड इलेक्ट्रॉनिक मैसेज सेंड फॉर द प्रमोशनल पर्पस आर कॉल्ड। प्रचार के उद्देश्य से भेजे गए अनचाहे इलेक्ट्रॉनिक संदेश कहलाते हैं, अनजिप, वायरस, URL, स्पाम। ये आपका ऑप्शन हो गया, चलिए आंसर जानते हैं। आंसर आपका स्पाम होता है, वो जो जो हम नहीं चाहते हैं लेकिन फिर भी मैसेज आ जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं स्पाम मैसेज। ठीक है, यानी कि इसका आंसर डी हो जाएगा। 87, द इंटरनेट अलाउड टू, इंटरनेट इसकी अनुमति देता है। इसका ऑप्शन है सेंट इलेक्ट्रॉनिक मेल का, व्यू वेब पेजेस, कनेक्ट टू सर्व सर्वर ऑल अराउंड द वर्ल्ड, ऑल ऑफ द एबव। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव, यानी कि सारा चीज को इंटरनेट अलाउ करता है, अनुमति देता है। ठीक है, इसका आंसर डी हो जाएगा। 88 क्वेश्चन, व्हाट इज द फाइल एक्सटेंशन ऑफ द एन ईमेल मेल बॉक्स फाइल। मेल बॉक्स फाइल का फाइल एक्सटेंशन क्या है? इसका ऑप्शन है एम बॉक्स, ई बॉक्स, ई एम बॉक्स, ईओक्स, ईओक्स। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा हमारा एम बॉक्स। ठीक है, एम बॉक्स में ही हम लोग क्या करते हैं, इसका मेल आता है, यानी कि हम लोग मेल बॉक्स बोलते हैं इसको। ठीक है, इसका आंसर ए हो जाएगा। 89 क्वेश्चन, इन विच ईयर वॉज द वर्ल्ड वाइड वेब इन्वेंटेड। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किस वर्ष हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा पूछा जाता है। तो जिसका ऑप्शन है 1989 में, 1987 में, 1986 में, 1988 में। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 1989 में हुआ था, याद रखिएगा। अल्ट्रानेट के नाम से यहाँ पे नेटवर्क इस्टेब्लिश हुआ था, जिससे ट्रिपल नंबर W के नाम से हम लोग जानते हैं, जो 1989 में इस्टेब्लिश हुआ था, यानी कि इसका आंसर ए हो जाएगा। 90, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टूल यूज बाय द सर्च इंजन फॉर सर्चिंग। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किस वर्ष? नंबर 19 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टूल यूज बाय द सर्च इंजन फॉर सर्चिंग। निम्नलिखित से कौन सा खोज इंजन द्वारा खोज के लिए उपयोग किया जाने वाला उपकरण नहीं है? इसका ऑप्शन है URL, सर्च एल्गोरिथम, इंडेक्स, इंडेक्सर, क्रॉल। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों URL के थ्रू ये हम लोग क्या करते हैं, सर्च इंजन द्वारा खोज के लिए उपयोग किया जाने वाला उपकरण नहीं है URL। URL क्या करता है, एक्सेस करने का फाइल काम होता है जो अभी। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर, इसका फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर होता है। ठीक है, इसका आंसर ये हो जाएगा, ये नहीं होता। 91, मेनी ईमेल सिस्टम यूज डैश प्रोटोकॉल सेंड अ मैसेज फ्रॉम वन सर्वर टू अनदर सर्वर।
कई ईमेल सिस्टम का उपयोग करते हैं डायस एक सर्वर दूसरे सर्वर पर संदेश भेजने के लिए प्रोटोकॉल। इसका ऑप्शन है SMTP, ARP का करते हैं, ICP, MP करते हैं, HTTP करते हैं। इसका आंसर हो जाएगा SMTP के द्वारा होता है, ठीक है। एक सर्वर से दूसरे सर्वर को मैसेज जो भी हम भेजते हैं तो SMTP के द्वारा ही भेजा जा सकता है, ठीक है दोस्तों। इसका आंसर ये हो जाएगा। 92 क्वेश्चन, द ओरिजिन ऑफ द इंटरनेट वॉज डेवलप फ्रॉम द कंसेप्ट ऑफ। इंटरनेट की उत्पत्ति की अवधारणा से विकसित हुई थी। इसका ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट, IBM, अर्पनेट, ओरेकल। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों अर्पनेट को, यानी अर्पनेट दुनिया का पहला नेटवर्क का नाम है, ठीक है दोस्तों। इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इंटरनेट की उत्पत्ति की अवधारणा के विकसित हुई थी, ये क्या कहलाता है, अर्पनेट कहलाता है, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। 93 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग विद द रेफरेंस टू ईमेल इन इज करेक्ट। ईमेल के संदर्भ में निम्न में से कौन सा गलत है। इसका ऑप्शन है ईच ईमेल एड्रेस इन द वर्ल्ड इज यूनिक, द फर्स्ट पार्ट ऑफ द ईमेल एड्रेस कंसिस्ट द डोमेन नेम, एंड ईमेल इज एन ऑनलाइन मैसेज डिलीवरी सिस्टम, जीमेल इज अ फ्री वेब बेस्ड ईमेल सर्विस। इसका सही आंसर हो जाएगा द फर्स्ट पार्ट ऑफ द ईमेल एड्रेस कंसिस्ट ऑफ द डोमेन नेम, जो पहले भाग में डोमेन का नाम होता है। इसका आंसर बी हो जाएगा। 94, अल्टा विस्टा इज द सर्च इंजन ऑफ। अल्टा विस्टा सर्च इंजन है, इसका ऑप्शन है याहू का है, गूगल का है, माइक्रोसॉफ्ट का, या ऑल ऑफ द एबव का है। इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव, यानी कि याहू का भी होता है, गूगल का भी होता है, माइक्रोसॉफ्ट का भी होता है, ठीक है। इसका आंसर डी हो जाएगा। 95 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टॉप लेवल डोमेन। निम्नलिखित में से कौन सा शीर्ष स्तरीय डोमेन है। इसका ऑप्शन है .edu, .org, .net, ऑल ऑफ द एबव। इसका सही ऑप्शन है ऑल ऑफ द एबव, यानी कि .edu भी होता है, .org भी होता है, .net भी होता है, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा। 96, डैश इज नॉट ए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप। डैश ए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप नहीं है। इसका ऑप्शन है रेडिफ मेल, वेबएक्स, जूम, गो टू मीटिंग। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों रेडिफ मेल। रेडिफ मेल एक क्या होता है, सोशल नेटवर्क है, यहाँ पे इस एक दूसरे को मेल करने के लिए यूज करते हैं, जैसे याहू होता है आपका, जीमेल होता है, उस तरह से रेडिफ मेल भी होता है, ठीक है, मैसेजिंग के लिए यूज करते हैं हम लोग। इसका आंसर ए हो जाएगा, ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा। इसका आंसर ए हो जाएगा। 97, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ VOIP। VOIP का फुल रूप क्या है। इसका ऑप्शन है वॉइस ऑफ इंटरनेट पावर, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, वॉइस ऑन इंटरनेट प्रोटोकॉल, वेरी ऑटोमाइज्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल। इसका सही आंसर हो जाएगा वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों। इसका आंसर बी हो जाएगा। 98 क्वेश्चन, व्हाट वाज द फर्स्ट डोमेन नेम ओवर द रजिस्टर्ड इन द वर्ल्ड वाइड वेब, TWW हो सकते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब पंजीकृत पहला डोमेन नेम नाम कौन सा था। इसका ऑप्शन है www.linux.com, www.computer.com, www.server.com, www.symbolics.com। इसका सही आंसर है www.symbolics.com, ठीक है, इसका आंसर डी हो जाएगा हमारा, ठीक है। ये स्टेट कौन सा था नाम, पहले www.symbolic.com था, इसका आंसर डी। 99 क्वेश्चन, विच की इज द कीवर्ड यूज्ड टू द स्टॉप द पेज लोडिंग इन गूगल क्रोम। गूगल क्रोम में पेज लोडिंग रोकने के लिए कीवर्ड की किस कुंजी का उपयोग किया जाता है, यानी कि अगर आपका कोई भी डाटा डाउनलोड हो रहा है उसको हटाना चाहते हैं तो कौन सा डाटा का यूज करेंगे। इसका ऑप्शन है शिफ्ट, एस्केप, कंट्रोल प्लस, कंट्रोल, अल्ट। तो सही आंसर हो जाएगा एस्केप। एस्केप से हम लोग क्या करते हैं, बाहर निकलते हैं, ठीक है, यानी कि वन स्टेप करके बाहर निकाल सकते हैं, यानी इसको रोक सकते हैं हम लोग, ठीक है दोस्तों। इसका आंसर बी हो जाएगा। 100 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्राइजेस द सेकेंड पार्ट ऑफ एन ईमेल एड्रेस। निम्नलिखित किस में ईमेल पते का दूसरा भाग शामिल होता है। इसका ऑप्शन है डोमेन नेम, मेल बॉक्स नेम, फोल्डर नेम, डेस्कटॉप क्लाइंट।
सही आंसर हो जाएगा दोस्तों डोमेन नेम होता है। ठीक है, किसमें ईमेल पते का दूसरा भाग होता है डोमेन नेम, यानी कि आपका नाम उसके बाद एट द रेट उसके बाद याहू जीमेल या रेडिफ होता है। ठीक है, इस तरह से आपका होता है। इस तरह से मैंने 50 क्वेश्चन को इस वीडियो में मैंने कवर किया दोस्तों। इससे पहले मैंने 25 क्वेश्चन पार्ट 1 पार्ट 2 करके इसमें अपलोड किया है, उसे जरूर देख लीजिएगा। इसके मैं डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक दे दूंगा। ठीक है दोस्तों, ये टोटल मैंने 100 क्वेश्चन इंटरनेट एंड वेब टेक्नोलॉजी से रिलेटेड मैंने अपलोड किया है आप लोगों के लिए। ठीक है, फॉर एग्जाम पर्पज के लिए, तो इसे अच्छे से कॉपी में नोट डाउन कर लें ताकि जब भी एग्जाम में आप दें तो इस क्वेश्चन को रिवाइज कर लें, क्योंकि इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं दोस्तों तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि जब भी आप वीडियो अपलोड करो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। सो दैट्स ऑल, थैंक यू दोस्तों।